गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फॉर्मिंग नंबर्स का करेंगे जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। फॉर्मिंग नंबर्स का मतलब होता है नंबर्स को क्रिएट करना, बनाना, फॉर्म करना। तो इसमें हम दो नंबर्स आपके सीखेंगे बनाना, एक तो स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर को हम लार्जेस्ट नंबर भी बोलते हैं। तो आज हम टू टाइप्स के नंबर बनाना सीखेंगे, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर की जो हमें डिजिट्स दी हुई हैं उनसे हम ये दो टाइप के नंबर कैसे बना सकते हैं। तो हम इनके अब रूल्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारा यहाँ पे हमें कुछ डिजिट्स दी हुई हैं। कितने डिजिट्स हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही रैंडम डिजिट्स आपको दी हुई हैं और आपको इनसे 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले कौन सा नंबर लिखते हैं? सबसे छोटा नंबर। तो इसमें से हम ऐसे ही सबसे छोटा नंबर पता लगाएंगे। ये हमें तब करना है जब हमारे पास जीरो नहीं होगा डिजिट्स में। तो जैसे अब हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1। तो 1 हमारा सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है? 2। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद नेक्स्ट 3। उसके बाद नेक्स्ट 5। उसके बाद 9। अब पीछे से अब हमने ये एक डिजिट नंबर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब भी आप स्मॉलेस्ट नंबर क्रिएट करोगे, बनाओगे, तो आपको सारी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं और हमें 6 डिजिट नंबर ही क्रिएट करना है। तो इनको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हमारा इन डिजिट्स में सबसे छोटा नंबर हमें दिख रहा है 2। तो हमने यहाँ लिखा 2। 2 के बाद 2 हो गया हमारा। फिर क्या आएगा 2 के बाद? हमारा 3। 3 के बाद 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद 8। तो ऐसे ये हमारा नेक्स्ट डिजिट नंबर बन गया, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज करना पड़ता है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर ही क्रिएट करना है, लेकिन इस बार हमारे डिजिट्स में एक जीरो भी है और इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं तो हमें 6 डिजिट नंबर ही चाहिए। तो जब हम इसको असेंडिंग, क्योंकि स्मॉलेस्ट में हम असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, तो जब हम असेंडिंग से स्टार्ट करेंगे तो हम जीरो को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम जीरो को पहले लिखेंगे तो वो हमारा छोटा नंबर बन जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0, 1, 4, 5, 7, 8, तो ज़ीरो की यहाँ पे वैल्यू नहीं है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का नंबर बन गया, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ज़ीरो को सिर्फ सेकंड डिजिट पर रखना है, बाकी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट कर दो। तो हम 1 को पहले लिखेंगे और सेकंड प्लेस पे 0 को लिखेंगे। उसके बाद अपने सभी नंबर्स को उसी तरीके से अरेंज कर देंगे जैसे हमने पहले किया था असेंडिंग ऑर्डर में। सेम ये भी असेंडिंग ऑर्डर है, बस हमारा 0 यहाँ पे 1 से पहले आता, लेकिन हमने बस उसको 1 के बाद लिख दिया। सिर्फ आगे की 2 डिजिट्स की प्लेसेस चेंज करिए, बाकी के नंबर्स जो हैं वो सेम जगह पर रहेंगे, ठीक है। अब हम ऐसे ही ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे। जैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर के लिए डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वैसे ही ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, हमारी पहली डिजिट सही है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे भी 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा नंबर 9, 7, 5, 3, 1। ये हो गया हमारा 5 डिजिट नंबर जो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट किया। ऐसे अब हमारे पास जब दूसरा नंबर आएगा तो इसमें हमारे पास 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें इसे डायरेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट 9, 9 सबसे बड़ा है, 8, उसके बाद 5, 3, 1, 0 और ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है बनाने के लिए, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए असेंडिंग ऑर्डर में। थर्ड टॉपिक है जिसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स होता है। रिपीटेशन का मतलब होता है नंबर को दोबारा रिपीट करना, किसी भी एक डिजिट को। तो जैसे हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये 1, 2, 3, 4 डिजिट्स दिए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। तो हम इसमें से कोई भी डिजिट्स को डबल बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि
पर पहले मैं इस नंबर को क्रिएट करूँगी। जैसे मुझे पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसी डिजिट से, तो इस डिजिट से मैं स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाऊँगी? असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब मैं चाहूँ तो इसमें से कोई भी डिजिट रिपीट कर सकती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 7 रिपीट कर दिया, ठीक है। अब इन्हीं डिजिट से मुझे स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट में मुझे बस इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो पहले मैं 7 7 से ही शुरू करूँगी, 3 1, तो मैंने इसको ऐसे ऑपोजिट करके लिख दिया, ठीक है। तो ये रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम नंबर को बार बार रिपीट करते हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट एक चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं यहाँ पे, हमें 6 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। तो हम कोई भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मुझे सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना होगा। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 पहले लिखा, फिर मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा 7 8 9। अब मैं चाहूँ तो इसमें से कोई भी नंबर रिपीट कर सकती हूँ, जैसे मैंने 2 को ही रिपीट कर दिया, तो 2 2 0 7 8 9। अब 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हो गई हमारी। अब हम इसी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे जो हमने ऊपर क्रिएट किए है। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी है, तो एक्सरसाइज को ध्यान से करिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5 विद द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। सो हमें क्या बनाना है, एक स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है जो हमें डिजिट्स दी हुई हैं इनसे, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, जिसमें हमें एक 6 डिजिट नंबर बनाना है इनको बिना रिपीट करे हुए डिजिट्स को, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें कैसे स्टार्ट करना होता है, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 0 3 4 5 7, ठीक है। ऐसे ही ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हम इसी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, 7 5 4 3 1 0, इस तरीके से। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जब डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्रिएट किया, तो हमने सबसे पहले 0 नहीं लिखा, हमने इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी। इन दोनों के प्लेस चेंज करने का पर्पज़ क्या है, कि अगर हम 0 को पहले लिख देते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस नंबर को अगर इस तरीके से लिखती, तो 0 की यहाँ पे वैल्यू नहीं रहती और ये 1 2 3 4 5 डिजिट्स का बन जाता। लेकिन हमारा फिर क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि हमें 6 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम बस इन दोनों नंबर्स की, पूरा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, बस इन दोनों को प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 पहले आ जाएगा और 0 बाद में, बाकी पूरा नंबर आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, तो हमने उसको एज इट इज़ ही रखा, हमने 0 को सबसे लास्ट में ही लिखा है, उन दोनों की प्लेस अब चेंज नहीं करनी है, ठीक है। ये ध्यान सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर बनाते टाइम ही रखना है, ग्रेटेस्ट नंबर में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नॉर्मल तरीके से अरेंज करना है। ऐसे ही आप इसका बाकी के पार्ट्स करेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 7 डिजिट। यू मे रिपीट अ डिजिट। अब हम कोई भी डिजिट को उसमें रिपीट कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया 7 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें डिजिट्स यहाँ पे कितनी दी हैं, 6 ही दी हैं। तो हम इसमें किसी भी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, सो 3 0 4 5 8 9। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 9 को रिपीट कर रही हूँ। तो अब मैं जब इसको ग्रेटेस्ट में भी चेंज करूँगी, तो मैं इसी डिजिट्स के हिसाब से इसको चेंज करूँगी जो मैंने ऊपर रिपीट करी है, ठीक है। इस तरीके से हमने ग्रेटेस्ट नंबर बना दिया। ऐसे आपको अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी है, सो इसका सेकंड क्वेश्चन करिएगा। और ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको डिजिट से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो 7 डिजिट का है। आपको आपकी एक और एक्सरसाइज एक्स्ट्रा वर्कशीट दी जाएगी इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, उस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है।